हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनित सर की पाठशाला और आज बात करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल सोल्यूशन क्लास एट चैप्टर नंबर वन रैशनल नंबर की एक्सरसाइज वन जी के क्वेश्चन आगे वाले जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स की आई गेस आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जी हां और क्वेश्चन नंबर एट इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो जल्दी से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है रीड करिए लेक्चर पॉज करिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए करिए आंसर लिखिए फिर ऑन और देखिए क्रॉस क्वेश्चन चेक करके कि भाई आपने आंसर सही किया है या गलत किया है चलिए देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बहुत ईजी क्वेश्चन है लेंथ दे रखा है ब्रेथ दे रखा है आपने इसके पहले जो दो क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा उसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया था इसके पहले हमने माइनस भी किया सब्रेक्शन भी किया एडिशन भी किया यानी हम रैशनल नंबर को एड सब्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सम्स तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टेस्ट चलिए तो रेक्टेंगल है हमारे पास तो हम रेक्टेंगल बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस रेक्टेंगल का खूबसूरत नाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ए बी और सी और डी ठीक है अब हमारे पास बोल रहा है भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क तो लेंथ कितनी दे रखी है सर थर्टी सिक्स होल थ्री अपॉन फाइव इसकी लेंथ है और ब्रेथ है सिक्सटीन होल टू अपॉन थ्री मीटर की इसकी ब्रेथ है आपको एरिया निकालना है तो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्थ रे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पार्क वो कितनी दे रखी है वो रखिए थर्टी सिक्स होल थ्री अपॉन फाइव मीटर अब आप एक काम करिए इसको फिर से कन्वर्ट करिए इनटू मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइडी फिफ्टीन और 3, 18, 180, और ये आ जाएगा वन एट्टी थ्री डिवाइडेड बाई फाइव मीटर इज योर लेंथ क्लियर बहुत बढ़िया फिर है हमारे पास ब्रेथ बी आर ई सर ब्रॉड लिखा ठीक है ब्रेथ लिख देता है बी आर ई ई जी एच टी ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो गया वो हो गया सिक्सटीन होल टू बाई थ्री तो हम लिखेंगे सिक्सटीन होल टू अपॉन थ्री मीटर अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्सटीन थ्री फोर्टी एट प्लस टू फिफ्टी तो आ जाएगा फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री मीटर बहुत बढ़िया अब आपको चाहिए एरिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों को आएगा मीटर स्क्वायर में सर ये मीटर स्क्वायर कैसे हो जाता है समझ में नहीं आता सर कभी कभी अरे भैया मीटर इंटू मीटर का भी तो मल्टीप्लाई होगा ना जब लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हो तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या बात कर रहे हो बड़ूबक हाँ ठीक है तो ये हो जाएगा 183 एटी थ्री डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री ठीक है तो फाइव टेन थ्री वन थ्री थ्री सिक्सर आएगा सिक्सटी वन इंटू टेन यानी आएगा सिक्स हंड्रेड एंड टेन मीटर स्क्वायर एरिया सिक्स हंड्रेड एंड टेन मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का या गार्डन का या रेक्टेंगल का ठीक है बढ़िया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का यह स्क्वायर प्लॉट है अब हमारे पास क्या है स्क्वायर प्लॉट स्क्वायर प्लॉट का मतलब होता है कि उसका उसके चारों साइड कैसी बराबर है तो आप एक स्क्वायर बना लो इसमें भी दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम रखने वाले हैं क्या नाम है एनी बडी कैन डांस ठीक है ए बी सी डी ठीक है तो इसकी साइड कितनी दे रखी है एट होल वन पॉइंट टू यह भी दे रखी है एट होल वन पॉइंट टू मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो एरिया ऑफ स्क्वायर वैसे तो होता है साइड इनटू साइड तो लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर अरे सर पहले साइड तो लिख लो हाँ ठीक तो लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है इससे चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर प्लॉट का साइड कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों एट होल वन अपॉइंट टू यानी एट टू जिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन टू मीटर तो एरिया कितना हो जाएगा सर एरिया होगा लेंथ इन टू ब्रेथ साइड इन टू साइड बात वही होती है एक रेक्टेंगल जिसके दोनों लेंथ और ब्रेथ बराबर हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा साइड इंटू साइड तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इस इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो साइड से तो 17 बाय टू

सेवेंटीन इंटू सेवनटीन कर जाएगा सेवन 7 फोर्टी नाइन कैरी ओवर फोर सेवन वनजा सेवन प्लस फोर इलेवन ठीक है क्रॉस हुआ सेवन हुआ और सर वन सही, अरे याद था ना ठीक है तो देयर फोर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 289 हंड्रेड एंड सर 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 इसको मिक्स कर, 289 बाई और इसको हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो यहां से बहुत बढ़िया से टू एट नाइन यहां से फोर ले लो अपन तो ये फोर सेवन जा ट्वेंटी एट हो गया ठीक है क्या हुआ माइनस करा कितना उतारा नाइन ये आ जाएगा फोर टू जा एट कितना बचा रिमाइंडर वन तो जिससे डिवाइड किया उसको नीचे जो क्वेश्चन उसको साइड में सेवेंटी टू और जो रिमाइंडर बचा वो गया वन तो ये आएगा सेवनटी टू होल वन अपॉन फोर मीटर स्क्वायर इज द आंसर एरिया क्लियर सो दिस इज योर आंसर आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर यानी दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अगर आ गए हैं तो अच्छी बातें लाइक कर दो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो लाल वाला बटन है उसको स्क्वायर कर दो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक क्लियर पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो सर की पाठशाला हिंद